नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। आपके साथ मैं आरती द्विवेदी। 1,33,00,000 की लागत से 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट का सांसद ने किया लोकार्पण। रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना में 1,33,00,000 रुपए से निर्मित 100 लीटर प्रति मिनट क्षमता युक्त ऑक्सीजन प्लांट का सांसद जनार्दन मिश्र एवं विधायक प्रदीप पटेल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा की उपस्थित में प्लांट का लोकार्पण कर जनमानस को समर्पित। वरिष्ठ पत्रकार संपत्ति दास गुप्ता की रिपोर्ट। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है, किसका उद्देश्य क्या? आज हमें बहुत खुशी है कि हनुमना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 LPM यानी 100 लीटर प्रति मिनट जिस प्लांट द्वारा ऑक्सीजन तैयार होगी उसका लोकार्पण जिले के हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी एवं इस क्षेत्र के विधायक प्रदीप पटेल जी द्वारा किया गया। इस क्षेत्र के लोगों का सौभाग्य है कि त्योंथर और हनुमना दोई ब्लॉक में, 9 ब्लॉक हैं जिले में, दोई ब्लॉक में ये शुरुआत हुई। उसमें हमारा हनुमना भी एक जिला शामिल था और यहाँ के लोगों को ईश्वर करे कि कोरोना की ज़रूरत न पड़े, कोविड लोग भर्ती न हो यहाँ। और यदि तीसरी लहर आती भी है तो हमारी पूरी तैयारी रहेगी, यहाँ के लोगों को बनारस या रीवा में भर्ती रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा भी बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सांस फूल रही है, दमा के मरीज हैं या गर्भवती महिलाएं आती हैं, सांस लेने में दिक्कत है, कुछ कठिनाई है, उनको बिस्तर पर सीधे लेटते ही उनको ऑक्सीजन लग जाएगा। हमको सिलेंडर ढूंढ के दूर से लाने की या फिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक मिनट के अंदर उनको हमारी सेवाएं मिलेंगी ऑक्सीजन की। इसी का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा, हम सभी हनुमानवासी को। आगे अभी कितने प्लांट रीवा जिले में लगाने का प्रपोजल है? अब धीरे धीरे क्रमशः बढ़ेगा। अब शासन तो यही चाहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत किया है हर ब्लॉक तक ले जाया जाएगा। ये जो प्लांट लगाया गया, आपका प्रयास विशेष रहा ऐसा है जैसा कि जानकारी नहीं है? मैं तो अभी एक महीने पहले आया था यहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपके विभाग की जो भी सीएमएचओ रहे आपके पूर्व, उनका प्रयास रहा। निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधि और हमारे मुख्यमंत्री जी का और सांसद जी का और यहाँ के विधायक जी का योगदान है। मेरे आने से तेजी हो गई, जो काम धीमा था, और मेरी तेजी से काम करने की आदत है, तो मैंने कहा कि तेजी से इसकी शुरुआत होना चाहिए। और आज हम सब देख रहे हैं कि इसका लोकार्पण हो गया। कितनी लागत में ये ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ? 1,33,00,000 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। रीवा जिले में कितने ऑक्सीजन प्लांट ऐसे लगाए जा रहे? रीवा जिले में अभी सांसद जी ने ही 17 तारीख को उद्घाटन किया था, 17 या उसी तारीख के आसपास, तारीख ध्यान नहीं ठीक से, 500 LPM का है, 500 लीटर प्रति मिनट त्योंथर ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता है, 200 लीटर प्रति मिनट हमारे जिला अस्पताल का है, और एक प्राइवेट चौराहटा में प्राइवेट सेक्टर में वो भी शुरुआत हो गई है, मेडिकल कॉलेज में भी शुरुआत हो गई है, और ये JP सीमेंट फैक्ट्री जो अल्ट्राटेक की है वहाँ भी हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। क्या कारण है कि त्योथर में 500 लीटर प्रति मिनट का वो लगाया गया और जिला चिकित्सालय में 200 लीटर प्रति मिनट का वो लगाया गया? ये शुरुआत में जहाँ लगाया गया, बाद में कोई चीज आती है तो और अच्छी आती है। आज कोई कहे कि DIG क्यों नहीं चढ़ रहे हैं फलाने, वो तो जो खरीदेगा अब तो तवेरा और इनोवा में चढ़ेगा। पहले DI ही आती थी, वही लोग चढ़ते थे, उस समय शुरुआत थी, कम ऑक्सीजन प्लांट देश में रहे होंगे तो लगता चला गया। अब उसका ज़रूरत बढ़ेगी तो हमारे पास कई संस्थाएं बनाने वाली हो जाएंगी, तो उसको उसका लेवल बढ़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये कोरोना की लहर जो दूसरी समाप्त हो चुकी है 100 बेड का की है, ऐसी स्थिति में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए कागज बंद दे सहयोग से टीम गठबंध से विधायक के प्रयास से कोई दिक्कत आती है तो इस क्षेत्र के लोगों को कभी भी कोई दिक्कत ना हो और एक भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की समस्या से जूझना न पड़े, न आज न कल न कभी भी इसका।